मन करता मैं कला आज बर्थडे के लेना अच्छा है बेटर है। इसके अंदर वीडियोग्राफी एकदम ही बंद है। ये बाबा का फोटो है अभी देख रहे हो, इसमें एडजस्ट करके अभी हम लोग को किसी भी 7-8 घंटा निकालना है। सो गाइस वेलकम बैक अगेन। अभी हमें जाना था एक्चुअली इस मंदिर, यहाँ पे है बाबा का मंदिर कैसी था पूरा नाम क्या है पूरा मंदिर मंदिर का पूरा नाम क्या है? कैची धाम है। कैची धाम में वो बाबा को बोले ना मंदिर क्या था? नीम करोली। नीम करोली बाबा, हम आए नीम करोली बाबा के धाम पे और सुना है इनकी बहुत मान्यता है। जैसे कि आप लोगों ने अगर जो सुना होगा तो जैसे कि फेसबुक के ओनर, एप्पल के ओनर, ऐसे बहुत बहुत सारे लोग हैं, विराट कोहली, ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं जो यहाँ पर आ चुके हैं। बाबा का तो आप लोगों को पता नहीं, बता देता हूँ, उनका भी ध्यान दो चुका है, मगर उनका इस जगह की बहुत मान्यता है। कहते हैं जो लोग आते हैं इनके दुख तकलीफ दूर होती है, तो हमें भी बहुत तकलीफ है, तो हम सोचे चलो दर्शन कराते हैं कि लाइफ में बहुत ऐसा कभी कभी मन करता नहीं कला आज बर्थडे कर लेना अच्छा है बेटर है, इसलिए सोचा कि चलो एक बार इनकी भी दर्शन कर ले, शायद बाप जो होंगे या जो भी होगा ठीक हो जाए, बाप कट जाए या ना जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। लाइफ एक स्मूथ चाहिए यार, ऐसी लाइफ नहीं चाहिए कि टेंशन फ्री लाइफ, तो इसलिए हम आए थोड़ा सुकून से। बट क्या करें, इधर भी सुकून नहीं है क्योंकि अभी हमें भागना था, हमने सोचा था यहाँ पे 2-3 दिन रुकेंगे, थोड़ा अच्छा खासा थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे और थोड़ा शांति में बैठेंगे, बट शांति मतलब अपने नशे में कहीं नहीं है, शांति का नाम ही नहीं है। तो चलिए चलते हैं दर्शन करते हैं, फिर उसके बाद फिर निकलना है सीधा। ये मेरा पीछे का व्यू देखिए, क्या व्यू है भाई, और ये वादियाँ जो भी वो क्या बोलते हैं, क्या मस्त व्यू है। गाइस देख रहे हो कितना ट्रैफिक है, हमने तो 700-800 मीटर दूरी गाड़ी लगा के आ गए और ये तो मेरे पीछे पूरा पूरा ट्रैफिक है। साइड 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 हो गया भाई, बस बस बहुत ट्रैफिक, मतलब बहुत लोग आते हैं यहाँ पे विजिट करने, बस संडे का दिन है तो शायद उसके वजह से भी ज़्यादा होगा, अब लोग पता नहीं इतना, बट फुल नीचे तक ट्रैफिक है। इसलिए हमने अपनी गाड़ी ऊपर ही खड़ी कर दी, टूरिस्ट लेना है ट्रैफिक में अटकने से अच्छा ऐसे जाके चल के दर्शन करके आइए फिर निकल लेंगे, टाइम नहीं है। सो गाइज अगर हम लोग नीचे उतरे नहीं, यहाँ से आपको व्यू दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये है मंदिर यहाँ पे जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, अभी इतना ऐसा गोल घूम के फिर चल के जाना है। व्यू देखे क्या मस्त है, पहाड़ों के मस्त है, ऐसा होता है ना कुछ नहीं, यहाँ पे रुकना बनता था, बट ठीक है चलो नेक्स्ट टाइम देखेंगे। अभी वही तो बोल रहा हूँ, बद्रीनाथ हाईवे पे आता है अभी, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, चेकिंग होती है बहुत। ये पूरा अपना गैंग बैंग चल रहा है, चलो यहाँ आना था वहाँ तो आ गए, सबका भी वापस जाने में मूड एकदम ऑफ हो गया, क्या होता है एक आध किसी का प्रॉब्लम होता है सब बंदे का मूड ऑफ हो जाता है। ये सामने मंदिर है, फाइनली हम पहुंच गए नीम करोली बाबा के आश्रम, तो चल के अंदर एंट्री कर रहे हैं। 500 बहुत अच्छी है, अच्छे से देखते हैं थोड़ा दर्शन करते थोड़ा बैठेंगे फिर निकलेंगे। गाइस ये है दरवाजा और यहाँ से भी हम अंदर चल रहे हैं। क्राउड बहुत है पीछे, बहुत लोग आए हुए हैं, मंदिर बहुत अच्छा है। हम लोग पहुँच गए ये मंदिर है, अभी यहाँ चलेंगे दर्शन करेंगे, व्यू देखिए क्या व्यू है। अभी तो शायद थोड़ा पानी कम है बट मेरे ख्याल से पूरा पानी भरा रहता है, मस्त व्यू है, बहुत अच्छी वाइब्स आ रही है, मतलब बहुत पॉजिटिव वाइब्स है। चलिए चलते अंदर दर्शन करते हैं। दर्शन करके हम लोग बाहर आ गए, पॉजिटिव वाइब्स में मैं आपको क्या बताऊँ, और अंदर हनुमान जी का मंदिर है, माता का मंदिर है, और मतलब
सब दर्शन किए हमने और अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए हमने अंदर का नहीं किया। ये जो इसके अंदर वीडियोग्राफी एकेडमी बंद है, आपको जो भी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करना है यहाँ पे एक पैसेज में आप कर सकते हैं इस परिसर में, अंदर पूरा कुछ भी अलाउड नहीं है, इसलिए हम लोग बाहर आके वीडियो बना रहे हैं। और हाँ, शूज़ वगैरह यहाँ पर आप निकाल सकते हो, जैसे कि इधर देख लो, यहाँ से निकाल के सीधा अंदर हाथ पैर धोने की सब सुविधाएँ हैं। और एक चीज़ भी थोड़ा डर था, यहाँ पर चोरी जूते वोते चोरी ना हो, बट डिसेंट पब्लिक आती है तो वो सब प्रॉब्लम है नहीं कि चोरी हुई है, अंदर जा सकते हैं। मैं भी जैसे गया तो मेरे शूज़ जगह भी मिले। बाकी आप लोग को आना तो आइए, बहुत ही प्लेजेंट क्लाइमेट भी है और बहुत अच्छी जगह है। मैंने बाबा से ही मांगा कि अगर जो मेरा कोई अच्छा हुआ तो नेक्स्ट टाइम ज़रूर आऊँगा मैं और विज़िट करूँगा, क्योंकि मैं थोड़ा अपनी परेशान हूँ, तो उस चीज़ के लिए मैंने बोला, जो भी था मेरे दिल में मैंने उनसे बोला। और अगर जो सच में कुछ अच्छा हुआ तो मैं वापस रिटर्न आऊँगा, चाहे जब भी आऊँ। सो लेट्स होप सब अच्छा हो। चलिए फिर चलते अपनी जर्नी वापस स्टार्ट करते हैं। ऐसा अगर जो आप यहाँ आ रहे हो और स्टे का सोचे तो यहाँ पे देखो मेरे पीछे पूरा सब होटल्स वगैरह हैं, आप स्टे कर सकते हो। हाँ, अंदर स्टे नहीं है, आश्रम के अंदर स्टे बंद है फिलहाल, क्योंकि वो सीज़न इस सीज़न में बंद रहता है। और जैसे मैंने पूछा उनसे तो उन्होंने कहा कि अभी तो जो रूम से बहुत कम है और ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं चल रही, नदी और इसके पास में है ना, जैसे आप देख रहे हो मेरे पीछे एरिया, ये सब पहाड़े हैं, तो नदी और पहाड़ के बीच में है तो कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो नहीं पाएगा, तो रूम बहुत कम है, अवेलेबल है। सो अगर जो आप यहाँ पे आने की सोचो तो अपने ऑनलाइन बुक कर लीजिए, क्योंकि आश्रम के अंदर जगह नहीं होती है, जितने भी रूम है वो ऑलरेडी ऑनलाइन या चिट्ठी से या सब बुक हो जाती है। सो तो चलते हैं अभी, जब जूस पी रहे हैं, निकल रहे हैं, जूस ले रहे हैं, जूस पीते हैं फिर चलते हैं गाड़ी में, फिर निकलते हैं। बाकी बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, मैं तो बोलूँगा आप सबको इधर एक बार आना चाहिए था। हाँ देना, हाँ मज़ा आ गया, मौसम में जो राहुल बहुत है, बाबा की मान्यता बहुत ज़्यादा है। मैंने 501 का चंदा दान किया और यही कहा, ये 501 चंदा मेरे आप कबूल करिए, स्वीकार करिए सॉरी, और नेक्स्ट टाइम ऐसा करिए कि भाई ये 501 ना हो, ये 5 लाख ही हो, मैं इतना वो सक्षम हो जाऊँ कि इतना दान कर सकूँ। तो हो अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा हुआ तो बोले आती कहता हूँ मैं ज़रूर इतना दान करूँगा, और यही नहीं हर जगह दान करूँगा। अभी चलते हैं, छोटा सा मैंने मंदिर देखा है, वो मंदिर लेने के लिए और घर के लिए अपने। तो गाइस ये देख रहे हो बाबा का, ये पीछे ये बाबा का फ़ोटो है और यहाँ सब जगह आपको यही फ़ोटो मिलेगा। तो गाइस फाइनली अभी थोड़ा यहाँ पे रुके हैं हम लोग, थोड़ा डोमिनोज में जाएंगे कुछ खाएंगे वाएंगे, क्योंकि बहुत भूख लगी है अभी, और अराउंड अभी 5 बज गया और हम लोग अभी काठगोदाम पहुँचे हैं। अभी प्लानिंग ये है कि कैसे जाया जाए, जाना तो है यहाँ से लखनऊ जाया जाए, लखनऊ से ट्रेन या फ्लाइट कुछ देखा जाए, क्योंकि जाना बहुत अर्जेंट है, समझ में आ रहा दिमाग बहुत कुछ काम नहीं कर रहा है यार, पता नहीं था ये ट्रिप ऐसा चलेगा। चलो ठीक है, दिमाग ठीक नहीं है, बाकी सब ठीक है। लोग इधर देख सकते हो वही मीटिंग चालू है, क्या करे क्या करे क्या करे, अब प्रॉब्लम ये है कि चलो यार अपने वजह से दूसरे का ट्रिप ख़राब होता है, समझ रहे हो, इसको स्लो बोल रहा हूँ जरा, क्योंकि अब मेरे भरोसे के लोग आए हैं सब एक दूसरे के, एक यहाँ से ना सब यहाँ से अलग अलग होते हैं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। अगले टाइम सब सोच समझ के करूँगा जो भी करूँगा, बट इन लोगों को फिर से लेके आना पड़ेगा एक बार घुमाने, क्योंकि टाइम वेस्ट मनी वेस्ट दिमाग ख़राब सब कुछ है, देखते हैं आगे का। सो गाइस अभी हम हल्द्वानी ना हल्द्वानी में है और यहाँ पे ये रूम वगैरह लिया हुआ है, आइए मैं बताता हूँ, एक ये रूम लिया है और एक इधर है,
सब लोग इधर ही रुके हैं। ये है एक्चुअली क्या है ना कि दो रूम्स लिए जिसमें अभी इन लोग चार्जर रुकेंगे, हम लोग दो जन तो जा रहे हैं, मैं और आसिम जा रहे हैं क्योंकि मैंने जैसे आपको पता है मुझे जल्दी भागना है। तो अभी हल्द्वानी से हम लोग दिल्ली जा रहे हैं, फिर दिल्ली से मुंबई जाएंगे। तो अभी हमारी बस है, निकल रहे हैं और चलते हैं, बस पकड़ते हैं वरना 10 बजे की बस है, लेट ना हो जाए। 10:30 बजे 10 बजे बोला है आ जाने को, 10:30 की है वैसे। सो लेट्स गो। बोले आसिम तो गाइस फाइनली ये अपनी बस खड़ी है, लगेज अंदर रख दिया है और हम जा रहे हैं। चले चलिए, अच्छा लगा आप लोग, फिर नेक्स्ट ट्रिप बनाएंगे। आसिम तो साथ में जा रहा है, वो भी हाँ निकेश तो वीडियो निकाल रहा है। चलो अमोल, मेरे वैसे बेचारे लोगों अभी आ जाते वाकई लेके ले जाएंगे, नहीं तो हम लोग जाते सब साथ में आए थे, साथ में जाते थे। खैर ठीक है, नेक्स्ट टाइम कोई प्लान करेंगे आप। चलो फिर बाय। सो गाइस हमारी बस निकल चुकी है, ये हमारा सीट है, मैं यहाँ बैठा हूँ। एक मिनट ये देखो, ये इधर हासिम बैठा है और मानो दोनों के दोनों की बॉडी देख रहे हो आप। इसमें एडजस्ट करके अभी हम लोग को किसी भी 7-8 घंटा निकलना है। चलो ये भी एक एक्सपीरियंस ही है, अच्छा है। बस का इतना मुझे कभी भी हो नहीं है, बट कुछ ऑप्शन नहीं था तो हमको बस ही मिला है। ठीक है, ये भी रास्ता कट जाएगा। तो गाइस फाइनली हम लोग दिल्ली पहुंच गए, मैं और हासिम, और अभी हमने यहाँ से ऊबर ऑटो किया है। आप भी ओला या ऊबर ही यूज़ करिए क्योंकि यहाँ पे ऑटो वाले बहुत डबल टेबल कुछ भी चार्ज बोलते हैं। ऊबर ऑटो या ओला अच्छा पड़ता है, मुझे ओला से भी सस्ता ऊबर ही पड़ रहा है, तो अच्छा है। सो अभी जा रहे हैं हम लोग निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन, वहाँ से देखते हैं कौन सी ट्रेन क्या टिकट मिलती है। बस अब तो आपको यही दिखाऊंगा रिटर्न जर्नी का, आगे कुछ है नहीं, बट ठीक है जो भी थोड़ा प्रॉब्लम हुई अच्छा था। बस में भी हम लोगों ने दोनों ने अच्छा बातें करते करते समय गुजार दिया, अकेला होता शायद थोड़ा पक गया था, पर हासिम था तो इतना मालूम नहीं पड़ा। तो चलते अभी देखते हैं ट्रेन का क्या सीन है, जो ट्रेन मिले वही पकड़ के निकल लेंगे। सो गाइस अभी हम लोग हैं निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर और जा रहे टिकट काउंटर पर, देखते हैं कौन सी ट्रेन की टिकट मिलती है। टिकट काउंटर फर्स्ट फ्लोर पर, ये स्टेशन भी बहुत अच्छा है। चलो अच्छे सर, स्टेशन पहले से बहुत अच्छे हो गए सब। सो गाइस अभी हमने जनरल टिकट लिया है, देखेंगे टीसी से बात करें सीट वगैरह मिलेगी तो ठीक है, वरना फिर जनरल में ठीक है। 18-19 घंटे का रास्ता है, ट्रेन तो वैसे लेट है, मतलब लेट जाएगी, लेट होने की वजह से हमको मिल भी रही है कि नहीं, वरना तो दूसरी सब ट्रेनें दोपहर के बाद है। चलो अच्छा है, ये हमारे लिए लगता लेट हुई है, सब टाइम पे ही हो रहा है। टाइम पे हो रहा है, जैसा रहेगा आपको अपडेट देते रहेंगे। बट ये भी एक एक्सपीरियंस अच्छा है, लाइफ में ऐसा होना चाहिए एक्सपीरियंस अच्छा है। इस ट्रिप में एक्सपीरियंस ही एक्सपीरियंस हो रहा है हम लोग को। फाइनली हम लोग अपने ट्रेन में बैठ गए और कैसे जैसे क्या बैठे मैं आपको बाद में जब उतरेंगे तो बताऊंगा पूरी जर्नी। ये एक कुछ अलग ही एक्सपीरियंस है। अभी हासिम भी हंस रहा है, उसको भी मालूम है हम लोग क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। टिकट कोई सीट नहीं है, कुछ नहीं है, बस जा रहे हम लोग एक नॉर्मल सा टिकट लेके। हाँ ईसी आएगा तो नो नो देखेंगे कहीं मिल जाए, नहीं तो फिर ऐसी जर्नी कर रहे। तो चलते हैं देखते हैं, हर इतना नया कुछ एक्सपीरियंस हो रहा है लेकिन मज़ा आ रहा है। अच्छा है ट्रैवल, इसी का नाम ट्रैवल है, इसी का नाम ज़िंदगी है। चलिए फाइनली पहुंच गए